हेलो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला डोसा। तो उसके लिए पहले आलू बॉईल करके छील के रख लेंगे, और मैंने यहाँ फ्राई पैन में रिफाइंड डाल दिया है। और जैसे ही रिफाइंड होगा वैसे राई और करी पत्ता डाल देंगे। आलू को मैश कर लेंगे, और जब करी पत्ता और वो थोड़ा सा हो जाएगा तब हम उसे डाल देंगे आलू को। अब उसको हम अच्छे से मैश करके चला रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें। और नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसको चला के फ्राई कर लेंगे। मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि सांभर में मैंने मिर्च ज़्यादा रखी थी। और ये है डोसा बनाने के लिए। इसमें 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल है, पहले मैंने भिगोया है, फिर उसके बाद मिक्सी में पीस लिया है। इस मिश्रण में थोड़ा सा नमक डालेंगे, और क्योंकि इसे मैंने पीसने के बाद में ज़्यादा देर नहीं रखा है, तुरंत डोसा बनाया है, तो हम इसमें थोड़ा सा इनो भी डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये मैंने इनो का पैकेट लिया। मैं इतने से मिश्रण में आधा इनो का पैकेट डालूंगी, और उसको अच्छे से मिला लिया है। अब 1 कटोरी में थोड़ा सा लेंगे रिफाइंड और 1 कटोरी में पानी। पहले पानी का छींटा मारेंगे, फिर कपड़े से पोंछ देंगे। उसके बाद में हम चमचे से 1 चम्मच लेके उसे फ्राई पैन में अच्छे से चलाएंगे। थोड़ी देर होने के बाद जब वो ब्राउन होने लगेगा तो हम उसको निकाल देंगे। ये देखिए एक ब्राउन हो गया है। इसमें आलू फिल करेंगे और फोल्ड करके निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। पहले फ्राई पैन में पानी डालेंगे, उसके बाद कपड़े से पोंछेंगे, फिर उसके बाद में डोसा मटेरियल डाल के उसको ऊपर से हल्का हल्का ब्राउन दिखने लगता है, अच्छे से पक जाए। गैस बहुत ज़्यादा सिम नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है। और जैसे ही ब्राउन होगा आप उसको निकाल दीजिए। ये देखिए, एक बार और हम बनाते हैं इसमें। इसको 20 से स्टार्ट करेंगे बनाना, और साइड में चमचे को ले जाएंगे। जब ब्राउन होगा तभी उसे निकालना शुरू करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, और अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।